कोई भी वस्तु, समझ लेना आज मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं, जो भगवान हमको सहज में दे दे, क्या बोला, मेहरबानी है, जिद करके कभी मत लेना, क्या बोला, जिद करके कभी मत लेना, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम जिस वस्तु के लिए जिद कर रहे हैं वो मिलने के बाद हमारे भले में होगी भी या नहीं होगी। क्योंकि लोगों को अधिकतर ये मोह होता है हमारे घर क्या हो, बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो, बेटा होगा तो क्या होगा, बाप का नाम रोशन करेगा। इसलिए ये एक मन बहलाने की बात है, मिल जाए तो हरि कृपा, ना मिले तो हरि इच्छा। बहुत सारे लोगों को बेटे का कुछ ज्यादा ही मोह होता है। जब बेटी होती है तो वो ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है, लेकिन लक्ष्मी के बाद फिर कहते हैं कोई तो एक राखी बंधवाने वाला चाहिए, यानी लड़का उनको चाहिए। मैंने अभी न्यूज में पढ़ा कि एक व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी को तलाक दे दिया कि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था और उसके यहां बेटा नहीं हो रहा था, उसने कहा तलाक। कभी कभी आपको क्या लगता है, स्त्री कोई बच्चे करने की, बनाने की फैक्ट्री है क्या, कि आपको जो पसंद आया वो प्रोडक्शन स्त्री ने दे दी आपको, या क्या ये स्त्री के अपने हाथ में है बेटा पैदा करना, बोलो ना। तो जो उसके हाथ में नहीं है उसकी सजा उसको क्यों मिले। और ये बीमारी हमारे यहां बहुत है, बहुत है। जैसे ही लड़की होगी एक लड़के की चाहत, फिर दूसरी लड़की हुई तो फिर उस पर ताने के ताने, दो दो लड़कियां हो गई, दो दो लड़कियां हो गई, जैसे कोई आसमान फट गया हो। फिर कहेंगे चल एक ट्राई कर ले, एक लड़का तो जी चाहिए। इसलिए कभी जिद मत करना, जो भगवान ने दिया सर आंखों पे स्वीकार कर लेना। ऐसी कई स्त्रियों को प्रताड़ना की जाती, टॉर्चर दिया जाता, तूने लड़कियां पैदा की, तूने लड़कियां पैदा की, तूने लड़कियां पैदा की, तूने, अरे उसके हाथ में है क्या। हाँ ATM मशीन होती तो हम अपने हिसाब से 20 का नोट, 50 का नोट, 40 का नोट बना, लेकिन वो तो एक इंसान है और इंसान की अपनी एक कैपेसिटी है, संतान हो न हो, हो के मर जाए या जिंदा रहे, लड़का हो या लड़की हो, गोरा हो काला हो, ये तो मेरे हरि के हाथ में, उसके हाथ में थोड़ी है। और जो उसके हाथ में नहीं है उसकी उसको सजा मिलती है, और उसको सजा देने वाली भी स्त्री ही होती है, उसको सजा देने वाली भी स्त्री होती। लड़का चाहिए, भले किसी का गोद ले लो लेकिन लड़का चाहिए। जबकि मैंने देखा है लड़का बराबर वाले रूम में सोया होगा, कोई असर नहीं है, लड़की 10 किलोमीटर से रोते रोते आएगी माँ बाप पे यदि कभी तकलीफ आई तो। इसलिए मैं कहता हूं जो भगवान दे देने लड़की भी दे दे तो शुक्र कर लेना, वो अपनी नसीब लाई होगी साथ, आप पे बोझ बनने वाली नहीं है। ये जो हम अबॉर्शन करवा देते, पता नहीं क्यों मैं बोलना चाहता हूं, आपको पता नहीं उस समय बच्चे का क्या करते हैं। स्त्री तो बेहोश होती जब अबॉर्शन होता है तो, एक कैंची से, एक बहुत बड़ी कैंची होती, बहुत बड़ी कैंची, वो कैंची मां के गर्भ में डॉक्टर डाल के उसके जीते जी बच्चे के पीस करते हैं।
और पीस करके निकाले जाते हैं। और वो बच्चा कहता है, माँ मेरा दोष क्या है, तूने मुझे जन्म क्यों नहीं लेने दिया? बेटा तेरा दोष नहीं है, दोष तेरे माँ बाप का जिनकी मस्ती है और उस मस्ती में तेरी जान सस्ती है। इतने घोर अपराध हम लोग कर लेते हैं और फिर भी हमको डर कभी लगता नहीं। ना धो के लिपस्टिक लगा के तैयार हो गए, झांसी की रानी आई। अभी मौका है अपने पापों का पश्चाताप कर लो, नहीं तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। और उसका एक ही रास्ता, भजन भजन और भजन, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। इसलिए जो मेरे प्रभु ने दिया उसको सराखों पे स्वीकार करो, उससे जान मत छुड़वाओ, नफरत मत करो।